12वीं में इतिहास के अंतर्गत एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर के बारे में पढ़ेंगे। विजयनगर अथवा विजय का शहर, एक शहर और एक साम्राज्य दोनों ही एक प्रयुक्त नाम है, क्योंकि साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई जो अपने चरमोत्कर उत्तर कृष्णा नदी के से लेकर प्रायद्वीप सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। 1565 में इसमें विजयनगर के आक्रमण को लूटा गया था और यह उजड़ भी गया था, लेकिन 17वीं और 18वीं शताब्दी में यह पूरी तरह से विनष्ट हो गया था और कृष्णा सुमंत्रक दो आपके क्षेत्र में निवासियों की स्मृतियों के लिए जीवित रहा है। हम्पी नाम से इसे याद रखा जाता है और इस नाम का आविर्भाव जो यहाँ के स्थानीय मातृदेवी पंपा देवी के नाम से हुआ था। मौखिक परंपराओं के साथ साथ यहाँ पुरातात्विक खोजों, स्थापत्य के नमूनों, अभिलेखों तथा अन्य दस्तावेजों ने विजयनगर साम्राज्य को पुनः खोजने के विद्वानों की सहायता की। फिर है हम्पी की खोज। हम्पी के भग्नावशेष 1800 में एक अभियंता पुरोहित कर्नल मैकेंजी के द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। मैकेंजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थी, इसने पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया। उसके साथ साथ हासिल शुरुआती जानकारियां रुपाक्ष मंदिर तथा पंपा देवी पूजा स्थल के पुरोहितों की स्मृतियों पर आधारित थी। मतलब जो भी इतिहासकार थे वो अभिलेख और साहित्य पुरोहित जो मिले उनके इतिहास को उठाकर ही उन्होंने अनुमान लगाकर ये सारे अभिलेख करते हैं। यहाँ जो हम्पी है, अन्य मंदिरों के दर्शन है, अभिलेख को इकट्ठा करना आरंभ किया और साथ ही साथ इन्होंने पुनर्निर्माण के प्रयास में इतिहासकारों ने स्रोतों का विदेशी यात्रियों के वृत्तांत और तेलुगु कन्नड़ तमिल में भी संस्कृत में लिखे हुए साहित्य से मिलान किया। फिर राय नायक तथा सुल्तान। राय नायक सुल्तान किसे कहा जाता था? परंपरा अभिलेख साक्ष्यों के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 ईस्वी में की गई थी। साम्राज्य की आश्रित सीमाओं के अलग अलग भाषाएं बोलने तथा अलग अलग धार्मिक परंपराओं को मानने वाले लोग रहते थे। अपने उत्तर सीमाओं के विजयनगर शासकों के समकालीन राजाओं और दक्षिण के सुल्तान उड़ीसा गजपति शासक शामिल थे। उर्वर नदियां घाटी में लाभकारी विदेशी व्यापार उत्पन्न संपदा के अधिकार संघर्ष किया और साथ ही साथ यहाँ संपर्क से विचारों का आदान प्रदान विशेष रूप से स्थापत्य के क्षेत्र में होने लगा। विजयनगर के शासकों ने अवधारणों के भवन निर्माण तकनीक ग्रहण किया जो उन्होंने आगे और भी विकसित किया। इस साम्राज्य के कई भागों में पहले शक्तिशाली राज्यों तमिलनाडु, चोलों, कर्नाटकों ने होल्स राज्य का विकास देखा था। शासक वर्ग में विशाल मंदिरों में यह तंजावुर, बृहदेश्वर मंदिर, बेलूर में चंद्र केशव मंदिर और संरक्षण प्रदान किया था। विजयनगर के शासकों ने अपने आप को राय कहते थे और परंपराओं को आगे बढ़ाया, जैसे हम देखेंगे कि नई ऊंचाइयों तक उन्होंने पहुँचाया। फिर शासक और व्यापारी। चूंकि उस समय में इस काल में युद्ध कला प्रभावशाली सेना पर आधारित होती थी, इसलिए प्रतिस्पर्धी राज्यों के लिए अरब और मध्य एशिया में घोड़ों का आयात महत्वपूर्ण था। व्यापार आरंभिक चरणों में अरब और व्यापारियों द्वारा नियंत्रित किया जाता था, जिसमें कि उन्हें कुदिरई, चेट्टी या घोड़ों के व्यापारी कहा जाता था। इन विनिमय के भाग को लेते हुए 1498 ईस्वी में कुछ और लोग पटल में उभर कर आए जो कि पुर्तगाली थे। उपमहाद्वीप में पश्चिमी तट पर आए व्यापारी को सामरिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास करने लगे। इससे बेहतर सामरिक तकनीक, विशेष रूप से बंदूकों का प्रयोग से उन्हें इस काल की सामरिक तकनीक की मतलब प्रयोग से उन्हें इस काल में उलझी हुई राजनीति की एक महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरने की सहायता मिली। विजयनगर भी मसालों, वस्त्रों और रत्नों के अपने बाजारों के लिए प्रसिद्ध था। ऐसे शहरों के लिए व्यापार एक प्रतिष्ठा का मानक बन गया था। समृद्ध जनता जो महंगी विदेशी वस्तुओं का मांग करती थी, जिसमें रत्नों और आभूषणों की थी, और दूसरी ओर व्यापार से राजस्व राज्य की समृद्धि और महत्वपूर्ण योगदान देता था। फिर राज्य का चरमोत्कर्ष एवं तथा पतन। राजनीतिक सत्ता दावेदारी शासकीय वंश के सदस्य में सैनिक कमांडर शामिल थे। पहले राजवंश जो संगम वंश कहलाता था वही 1485 में नियंत्रण में रखा और सुलोभन ने उन्हें उखाड़ फेंका। सैनिक कमांडर थे जो कि 1503 में सत्ता में रहे, उसके बाद तालुकदार का स्थान मिला। कृष्णदेव राय के शासन के चरित्र विशेषता का विस्तार ध्रुणीकरण है। इसी काल में तुंगभद्रा कृष्णा नदियों के बीच क्षेत्र में हासिल किया गया। उड़ीसा शासकों का दमन किया गया। बीजापुर के सुल्तान को बुरी तरह से पराजित किया गया। हालांकि राज्य हमेशा सामरिक रूप से तैयार रहता था, लेकिन फिर भी यह अतुल्य शांति और समृद्धि महत्वपूर्ण दक्षिण बंदरों के भव्य गोपुरमों के जोड़ने के श्रेय जो है कृष्णदेव को ही जाता है, जिन्होंने अपनी माँ के नाम से विजयनगर के समीप नगलपुरम नाम के उपनगर की स्थापना की थी। हालांकि विजयनगर के विध्वंस के लिए सुल्तानों की सेनाएं जो उत्तरदायी थी, क्योंकि उस समय रायों के संबंध धार्मिक भिन्नताएं होने के कारण हमेशा अपरिहार्य और शत्रुता नहीं रहते थे। उदाहरण के लिए कृष्णदेव राय ने सल्तनत की सत्ता के लिए दावेदारों का समर्थन किया और यवन राज्य की स्थापना करने वाला विरोध धारण करने वाले गौरव महसूस हुआ। बीजापुर के सुल्तान ने भी कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात विजयनगर में उत्तराधिकारी विवाद को सुलझाने के लिए हस्तक्षेप किया। वास्तव में विजयनगर शासक और सुल्तान
बीजापुर के सुल्तान ने कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात विजयनगर को उत्तराधिकार के विवाद में सुलझाने के हस्तक्षेप किया। वास्तव में विजयनगर शासक सल्तनत जो दोनों ही एक दूसरे के स्थायित्व निश्चित करने के इच्छुक थे, लेकिन राम राय और जोखिम भरी हुई थी क्योंकि सुल्तान एक दूसरे के विरुद्ध करने की कोशिश, किंतु सुल्तान एक हो गए और उसे निर्णायक रूप से पराजित कर दिया था। फिर राय तथा नायक साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करने वाले सेनाओं के प्रमुख होते थे, जिन किलों पर नियंत्रण रखते थे, साथ ही साथ वे सशस्त्र समर्थक होते थे। प्रमुख आमतौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमणशील रहते थे और कई बार बसने के लिए उपजाऊ भूमि की तलाश भी किसान किसान देते थे। प्रमुखों को नायक कहा जाता था, आमतौर पर तेलुगु में कन्नड़ भाषा बोलते थे और विजयनगर शासन की प्रमुखता के आगे समर्पण किया था। अक्सर ये लोग विद्रोह कर देते थे और सैनिक कार्रवाई के माध्यम से इनको वश में किया जाता था। अमर नायक राजा को वर्ष में एक बार भेंट करने भेजा जाता था। स्वामी भक्त प्रकट करने के लिए राजकीय दरबार में उपहारों के साथ स्वयं उपस्थित हुआ करते थे। राजा कभी कभी उन्हें एक दूसरे के स्थान पर स्थानांतरित भी कर दिया जाता था, जिससे कि अपना नियंत्रण दर्शा सके। 17वीं शताब्दी में इससे कई नायकों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए थे। केंद्रीय राज्यों के ढांचे विघटन तेजी से हुए थे। अब विजयनगर राजधानी के परिदेश अब उस समय से सबसे अधिक प्रसिद्ध शहरों में एक विजयनगर के रूप था, क्योंकि अधिकांश राजधानियों की तरह ही एक भी एक विशिष्ट भौतिक रूप पर स्थापित शैली अभिलक्षित है। फिर है जल संपदा। उस समय विजयनगर भौगोलिक स्थिति विषम चौंकाने वाला तथ्य तुंगभद्रा नदी द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक कुंड है। यह नदी जो है उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। आसपास में भादृश्य रमणी ग्रेनाइट पत्थरों की परिपूर्ण है। शहर के चारों ओर करधनी का निर्माण करती है, जो करधनी की सी प्रतीत होती है। इन पहाड़ियों में कई जलधाराएं आकर नदी से मिलती हैं। मतलब यहाँ पर जो जलधाराएं हैं वो चारों ओर पहाड़ों में बहती रहती है, जो करधनी का निर्माण करती है। लगभग सभी धाराओं के साथ साथ बांध बनाकर अलग अलग आकारों में पौध बनाए गए थे। चूंकि प्रायद्वीप में सबसे शुष्क क्षेत्रों में से एक था, इसलिए पानी संचय और उसके शहर तक ले जाने का व्यापक प्रबंध करना की आवश्यकता। सबसे महत्वपूर्ण हौजों में एक का निर्माण 15वीं शताब्दी में आरंभिक वर्षों में हुआ, जिसे आज कमलपुरम जलाशय कहा जाता है। इस हौज के पानी से न केवल आसपास के खेतों को सींचा जाता था, बल्कि इसे नहर के माध्यम से राजकीय केंद्र तक भी ले जाया जाता था। किलेबंदियां तथा सड़कें। इससे पहले कि हम शहर के विभिन्न भागों का गहन परीक्षण करें, हम एक विशाल किलेबंदी की दीवारों पर भी नजर डालते हैं, जिससे उन्हें घेरा गया था। 15वीं शताब्दी फारस के शासक द्वारा कालीकट भेजा गया दूत अब्दुल रज्जाक किलेबंदी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने दुर्ग की 7 पंक्तियों का उल्लेख किया है। इससे न केवल शहर की बल्कि कृषि में प्रयुक्त आसपास के क्षेत्र भी जंगलों को घेरा गया था। उसके साथ साथ सबसे बाहरी दीवार के चारों ओर बनी पहाड़ियों के आपस में जोड़ती थी। यह विशाल राजकीय संरचना थोड़ी सी सुंडाकार थी। गारे या जोड़ों जोड़ने के लिए किसी भी वस्तु का निर्माण से प्रयोग नहीं हुआ था। यह पत्थर के टुकड़े फलाकार थे, जिसके कारण वे अपने स्टॉक पे स्थान पे टिके रहते थे और दीवारों के अंदर का भाग मिट्टी के मलबे के मिश्रण से बना होता था और वर्गाकार आयताकार बुर्ज बाहर की ओर निकले हुए होते थे। शहरी केंद्र की ओर जाने वाले सड़कों पर चले तो सामान्य लोग के आवासों के अपेक्षा के कम पुरातात्विक साक्ष्य हैं। पुरातात्विक कुछ सामान्य लोग भी आवासों में अस्तित्व में हैं, जिसमें सदपुत्र गाली यात्री बरसोबा कुछ इस प्रकार वर्णन करते हैं। लोगों के अन्य आवास छप्पर के हैं, फिर भी सुदृढ़ हैं और व्यवसाय के आधार पर कई खुले स्थान पर लंबी गलियों में व्यवस्थित हैं। क्षेत्र सर्वेक्षण इंगित करते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में पूजा स्थल, छोटे मंदिर थे, विविध प्रकार के संप्रदायों संभवतः विभिन्न समुदायों के द्वारा संरक्षित थे। प्रचलन की ओर संकेत करते हैं कि सर्वेक्षण से यह भी इंगित करता है कि वे बरसात के पानी जलाशयों के साथ ही मंदिरों के जलाशय संभवतः सामान्य नगर निवासियों के लिए पानी के स्रोत का कार्य करते थे। फिर यहाँ कुछ राजकीय केंद्र भी थे, जिसमें राज्य के बस्ती के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित था। हालांकि इसे राजकीय केंद्र की संख्या दी गई थी, इसमें 60 में से अधिक मंदिर सम्मिलित थे। स्पष्ट रूप से मंदिर और संप्रदायों को प्राश्रय देना शासकों का एक महत्वपूर्ण था, क्योंकि देव स्थल और प्रतिष्ठित देवी देवताओं के संबंध में माध्यम से ही अपनी सत्ता को स्थापित करने में वैधता प्रदान करने का भी प्रयास करते थे। लगभग 30 संरचनाओं की पहचान महलों के रूप में की गई थी, जो कि अपेक्षा की बड़ी संरचनाएं थी और अनुष्ठानिक कार्य के संबंध में होते थे। ये संरचनाओं द्वारा मंदिरों के बीच एक अंतर यह था कि मंदिर पूरी तरह से राजगिरी के से निर्मित होते थे और धर्मेंद्र भवनों पर संरचना भिखारी वस्तुओं से बनाई जाती थी। फिर है महानवमी डिब्बा। इस क्षेत्र में कुछ अधिक विशिष्ट संरचनाओं का नामकरण है, के आकार के साथ साथ उनके कार्यों के आधार पर किया जाता है, जैसे राजा का भवन तथा नामक संरचना जो अत्यंत क्षेत्र का विशाल है। इसके साथ साथ राजकीय आवास में होने वाले कुछ साक्ष्य भी मिला है और प्रभावशाली मंच भी हैं।
समाधि सभा मंडप तथा महानगर पूरे क्षेत्र जो ऊंची दीवारों से घिरा हुआ होता था। इसी बीच में एक गली, सभा मंडप एक ऊंचा मंच होता था। पास पास एक पहाड़ी पर लकड़ी के स्तंभ छेद बने हुए थे जो कि दूसरी मंजिल को स्तंभों पर टिकी हुई होती थी, जिससे कि ऊपर जाने की सीढ़ी बनी हुई थी। स्तंभों में एक दूसरे के बहुत पास पास होने के कारण कम खुला स्थान बचता था और इसलिए स्पष्ट है कि यह मंडप किस प्रयोजन के लिए बनाया गया था। फिर राजकीय केंद्र में स्थित अन्य भवन। राजकीय केंद्र के सबसे सुंदर भवनों में लोटस का महल है, जिसका के नामकरण 19वीं शताब्दी में अंग्रेज यात्रियों ने किया था। हालांकि नाम निश्चित रूप से रोमांचक है, लेकिन इतिहासकार इस बात में निश्चित नहीं है कि भवन किस कार्य के लिए बना हुआ था। इसी तरह से बहुत से भवन बने हुए हैं, जैसे कि अधिकांश मंदिर धार्मिक केंद्र में स्थित हैं, कुछ राजकीय केंद्र बनाए गए हैं, कुछ अत्यंत दार्शनिकों को हजार राम मंदिर भी कहा जाता है। इसका प्रयोग केवल राजा और उनके परिवार द्वारा ही किया जाता था। बीच के देवस्थल की मूर्तियाँ अब नहीं है। दीवारों पर बनाए गए पटल मूर्तियाँ सुरक्षित हैं। इससे मंदिर की आंतरिक दीवारों और उत्कीर्ण रामायण के लिए किए गए दृष्टांत सम्मिलित हैं। इस शहर पर आक्रमण के पश्चात विजयन कई संरचनाएं विनष्ट हो गई, जिससे नायकों के महल व संरचनाओं के निर्माण की परंपरा को जारी रखा। कई भवन आज भी अस्तित्व में हैं। फिर धार्मिक केंद्र। राजधानी का चयन जो है यह धार्मिक केंद्र के रूप में था, क्योंकि यहाँ पर रामायण में उपलब्धि है कि बाली और सुग्रीव के वानर राज की रक्षा करती थी और मान्यताओं के आधार मातृदेव पंपा देवी ने यहाँ पहाड़ियों के वृक्ष पर संरक्षण देवता हैं। शिव एक रूप में माने जाते हैं, विवाह के लिए तप किया था। फिर उसी तरह से विवाह विरूपाक्ष मंदिर में हर वर्ष धूमधाम से आयोजित किया जाता है। इन पहाड़ियों विजयनगर साम्राज्य की पूर्वकालिक जैन मंदिर भी है, जो दूसरे शब्दों में क्षेत्र की धार्मिक मान्यताओं के संबंध था। इस क्षेत्र में मंदिर निर्माण की एक लंबा इतिहास रहा, जिसमें पल्लव, चालुक्य, हयेक, चोलवंश आदि राजाओं ने यहाँ पर शासन किया और मंदिर शिक्षा के केंद्र के रूप में भी कार्य करते थे। शासक और अन्य लोग भी मंदिर के रखरखाव के लिए भूमि, संपदा आदि दान करते थे, जिसे महत्वपूर्ण धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक केंद्रों के रूप में विकसित किया गया था। दृष्टिकोण से मंदिरों का निर्माण, मरम्मत और रखरखाव अपनी सत्ता, संपत्ति, निष्ठा के लिए भी समर्थन और मान्यता के लिए माध्यम बना हुआ था। विजयनगर के स्थान पर चयन यह विरूपाक्ष था। पंपा देवी मंदिर का अस्तित्व प्रेरित किया है। साथ ही साथ राजकीय आदेशों की समानता कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष शब्द भी अंकित किया गया है। शासक देवी देवता गहन अध्ययनों के संकेतक के रूप में हिंदू सूरत राणा का प्रयोग भी करते हैं। अरबी भाषा के शब्द में सुल्तान, जिसका अर्थ है राजा, का संस्कृत अनुवाद है। शाब्दिक रूप में इसका अर्थ हिंदू सुल्तान। फिर है गोपुरम और मंडप। मंदिर स्थापत के संदर्भ में इस कहा गया है कि ये विशाल स्तर पर बनाई गई थी। कई संराज राज की सत्ता के द्योतक थे, कई अच्छे इसका उदाहरण है। राय गोपुरम में अथवा राज के प्रवेश द्वार थे, अक्सर केंद्रीय दीवारों के मीनारों को बौना प्रतीत कराते थे। लंबी दूरी से ही मंदिर का होने का संकेत होता था और शासकों की ताकत की भी याद दिलाते। ऊंची मीनारों के निर्माण के लिए आवश्यक साधन दिलाते थे, तकनीक कौशल जुटाने में सक्षम होते थे और मंडप और लंबे स्तंभों वाले गलियारे जो अक्सर मंदिर परिसर के देवस्थलों के चारों ओर बने हुए थे। कई मंदिर जो हैं, जैसे विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ, हालांकि अभिलेख से पता चलता है कि प्राचीन मंदिर 9वीं-10वीं शताब्दियों का था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद इसमें कई अधिक बड़ा किया गया था, जिसमें कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद कहीं अधिक बड़ा किया गया था। लेकिन मुख्य मंदिर के सामने का मंडप कृष्णदेव राय ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में बनवाया था, ताकि इसमें यह सूचना कि उत्कीर्ण स्तंभों को सजाया गया था और गोपुरम के निर्माण का श्रेय भी उसे ही दिया जाता है। महलों और मंदिरों तथा बाजारों का आकार। हम यहाँ पर देखते हैं कि विजयनगर की जानकारी भंडार का विश्लेषण किया है। फोटोग्राफ्स हैं, नक्शे हैं, संरचनाओं के लेकर मूर्तियाँ हैं, सब खोजा गया मैकेंजी के द्वारा। ये सारे अभिलेख संरक्षण किया गया और 20वीं शताब्दी में इस स्थान का संरक्षण भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण कर्नाटक पुरातात्विक संग्रहालय द्वारा किया गया था। इसमें व्यापक गहन सर्वेक्षण के माध्यम से विजयनगर में भौतिक अवशेषों की सूचना प्रलेख को महत्वपूर्ण परियोजना का शुभारंभ किया गया। 20 वर्ष के काल को पूरे करने के बाद भी दर्जनों विद्वानों ने इस जानकारी को इकट्ठा और संरक्षित करने का कार्य किया है। उत्तरों की खोज में प्रश्न। कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें मालूम नहीं है। हम सारे अभिलेख और ये सारी संस्कृतियाँ जो हमें उपलब्ध होती हैं, अभिलेख, साहित्य, लोक प्रचलित परंपराएं जो होती हैं, उनके माध्यम से ही हम बहुत सारे उत्तरों का खोज करते हैं और कुछ अनुमान लगाते हैं और उनका व्यवहार करते हैं। जैसे विचारों का फैलाव है, सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में बताते हैं, विचारों को जाहिर करते हैं, निर्माणकर्ता को प्राश्रय देते हैं और वे अपना व्यक्त करते हैं, अक्सर चिन्हों में परिपूर्ण रहते हैं, सांस्कृतिक संदर्भ के परिणाम होते हैं। जब हम अन्य स्रोतों
और साहित्य अभिलेखों के लोग प्रचलित करते हैं परंपराओं। स्थापत्य तत्व के परीक्षण से हमें यह बताते हैं कि सामान्य पुरुष, महिलाएं, बच्चे जो शहर और आसपास के क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या के एक बड़ा भाग थे, जो प्रभावशाली भवनों के विषय में क्या सोचते हैं। शाही केंद्र, धार्मिक केंद्र किसी भी भाग में पहुँच सकते और मूर्ति के सामने से तेजी से निकल जाते थे और देखने के लिए रुकते, सोचते और जटिल प्रतीक चित्रण समझने का प्रयास करते। वे लोगों ने एक विशाल निर्माण परियोजना का कार्य किया था, जिसमें उद्यमों के विषय में क्या सोचते थे इसके बारे में अपना श्रमदान भी किया था। हालांकि क्या निर्माण करना है, स्थान कौन सा है, कौन सा माल प्रयोग करना है, किस शैली में अनुसरण करना है, ये सभी निर्णय जो है शासक लेते थे। और इतने विशाल उद्यमों की आवश्यकता, विशिष्ट ज्ञान किसके पास था, भवनों के नक्शे कौन बनाता था, राजकीय पत्थर काटने वाले मूर्तिकार और वास्तु निर्माण कार्य कौन करते थे, कहाँ से आते थे और उन्हें युद्ध के दौरान पड़ोसी क्षेत्रों में बंदी बनाया जाता था, ऐसे इस प्रकार से उनके वेतन कैसे दिया जाता है, गतिविधियों का निरीक्षण कौन करता था, निर्माण कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता था, कहाँ से लाया जाता था, मतलब ये सब हम भवनों के अनेक अवशेषों को देखते हैं मात्र इससे नहीं देख सकते, संभवतः इन स्थितियों प्रयोग से जारी शोध के कुछ और संकेत भी दे सकते। फिर गृह कार्य, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, विजयनगर साम्राज्य के तीनों वंशों तथा शासन काल लिखिए, राय तथा नायक कौन थे, अमर नायक प्रणाली से आप क्या समझते हैं, यवन शब्द का क्या अर्थ है, कृष्णदेव राय के शासनकाल के साम्राज्य किस प्रकार विस्तार हुआ, महानवी डिब्बा क्या है, इससे जुड़े अनुशासनों पर प्रकाश डालिए, विजयनगर साम्राज्य के योगदान का वर्णन कीजिए, इसके उत्तर आपको कॉपी में लिखें।